हेलो एवरीवन, मैं हूं धवल और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अपने डॉग को स्टे होना कैसे सिखाएं कमांड पे। स्टे सिखाने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपका डॉग सीखता है कि थोड़े दूर से, फ्रॉम अ डिस्टेंस, आप कमांड बोलो, से कोई भी कमांड हो, और आपका डॉग वो कमांड को फॉलो करे। सिर्फ डॉग दूर खड़ा है, आपने बोला स्टे या सेट, तो आपका डॉग सेट हो जाए, तो वो चीज़ सीखता है। दूसरी चीज़ ये कि जब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, डॉग शो में आप गए कहीं गए, तब भी आपका डॉग सिर्फ आपको देखे, आपकी बात माने और कहीं वो उसका ध्यान ना भटके। तो हालांकि ये सब सिखाने में महीने लग जाते हैं, पर शुरुआत छोटे से होती है। तो स्टे हम सिखाएंगे। स्टे के यूजेस भी बहुत से हैं, जैसे आप खाना देते टाइम अपने डॉग को सिट करा के फिर स्टे कर सकते हैं, फिर खाना सामने रख देंगे, तब भी आपको डॉग को इतना वो करना है कि वो खाना ना खाए, फिर जब फ्री करें तभी वो खाना खाए। तो अब स्टे सिखाएं कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो स्टे सिखाने के सबसे पहले आप ट्रीट्स लेंगे, डॉग को लेंगे, लिली आप लिली से एक हैंड सिग्नल यूज करेंगे, ऐसे हैंड सिग्नल से डॉग जल्दी समझता है। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, लिली स्टे, 1 2 गुड गर्ल। बस मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, बस जल्दी से 2 सेकंड लिए, धीरे से ही क्योंकि शुरुआत होती है। या अब फ्री कर दिया, फ्री भी करना जरूरी है। लिली स्टे, 1 2 3 गुड गर्ल। मैंने पहले 2 सेकंड लिए, फिर 3 सेकंड लिए। लिली स्टे, गुड गर्ल। काफ़ी लंबा उसने कर लिया। अब हम थोड़ा पीछे जाते जाएंगे, पीछे या दूर या एंगल बदलेंगे, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें सिखानी है इसलिए। तो लिली स्टे, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। मतलब बहुत बड़ी बात है, आपका डॉग हो सकता है ऐसे ना कर पाए, तो धीरे धीरे छोटे छोटे उससे कराएं। और अगर आपके पास पप्पी है, नया सा पप्पी आप लेके आए, तो अपने डॉग को ऐसे सिखाएंगे आप, तब दूर नहीं जाएंगे, तब सिर्फ स्टे, यूं ऐसे थोड़ा पीछे होके गुड गर्ल ऐसे देना है। क्योंकि पप्पीज क्या होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, उन लोग को बहुत जल्दी रहती है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, इसलिए आप छोटे से, बहुत छोटे से उनके साथ स्टेप लेंगे। ये तो आंखें बड़ी है, तो मैं इसके साथ टाइम ले रहा हूँ। चलिए फ्री फ्री कर दिया, आप हमेशा आप स्टे में तो इतना बिठाएंगे। स्टे, गुड गर्ल। आ जा, स्टार्टिंग के लिए इतना डिस्टेंस ठीक है, तो आप भी इतने डिस्टेंस में थोड़ा और दूर जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है तो ज़्यादा हमको वो नहीं करना। अब दूसरी स्टेज ये है कि हम दूर जाने के साथ, हम अभी क्या कर रहा था, मैं दूर जा रहा था और वापस आ जा रहा था, अब हम दूर जाने के बाद रुकेंगे। लिली स्टे, 1 2 3 कोई बात नहीं, अभी मैं ट्रीट नहीं दूंगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया इसके लिए, से हमें समझ, आपके डॉग के साथ भी हो सकता है, नई चीज़ सिखा रहे हैं तो टाइम लगेगा, इसलिए छोटे से अब मैं इतना दूर इतना टाइम नहीं दूंगा। लिली स्टे, 1 2 गुड गर्ल। अब 1 लिया, फिर 2 सेकंड ऐसे, लिली स्टे, गुड गर्ल। रुकी थी वो, समझ गई, 2 सेकंड ज्यादा। लिली स्टे, डाउन हो गई, कोई बात नहीं, डाउन ही हुई है, वो आगे पीछे नहीं हुई है, हम उन देंगे, गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो चलेगा, डाउन ही हुई है, डाउन होना चलता है, आगे पीछे मूव नहीं करना है, या खड़े नहीं होना, खड़े भी हो सकती पर मूव नहीं करना है। स्टे, अब मैं एंगल बदल रहा हूँ अपना, देखते हैं क्या करती है, डाउन हो रही है वो, बदला नहीं, बहुत लंबा टाइम भी हो रहा है, मैं एंगल भी बदल रहा हूँ, डॉग्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। गुड गर्ल, काफ़ी था, इतना काफ़ी है, ज़्यादा वो नहीं करना है, धीरे धीरे करके आप वो करते हैं। ये ऐसी चीज़ है, एक या दो ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग सेशन में तो हो ही सकती, टाइम लगता है सीखने में, फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप स्टे बोलेंगे और आप कहीं चले जाओ, बेचारा डॉग बैठा रहेगा, इतना अच्छा रहता है। फिर लिस्टे,
एंगल भी बदल रही है। गुड गर्ल, काफी दूर था, एंगल भी बदला था, लेकिन वो देखती रही। जब डॉग आपकी तरफ देखे बहुत अच्छी चीज होती है, आप उसको ट्रीट दें। अगर आई कांटेक्ट नहीं है आपका आपके डॉग के साथ, मतलब कुछ नहीं है, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये तो मतलब टाइम भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, अब डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हम कैसे बताएंगे, बिस्किट है, लीफ स्ट्रे, गुड गर्ल। वो देख रही थी डिस्ट्रैक्शन को, वो हिली नहीं, पर वो गई नहीं, उठी नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज होती है। लीफ स्ट्रे, गुड गर्ल। उसने कोशिश की लेकिन फिर वो समझ गई कि स्टे हिलना नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ऐसे लिली स्टे, गुड गर्ल। अब मैंने नीचे भी रख दिया तब भी उसने उठ के आके खाया नहीं। ऐसे ही तो हम सिखाते हैं, जब खाना सामने आके रख दो तब भी फ्री नहीं कर रहे, तब तक डॉग खाता नहीं है। लिली स्टे, ये मैं थोड़ी टफ स्टेप करने जा रहा हूँ, पता नहीं है हिलेगी या नहीं। गुड गर्ल, गुड, वेरी गुड, गुड गर्ल। बहुत ही टफ होती है वो, चली भी गई मुड़ भी गई, लेकिन वो वापस क्या नाम से, उसने खाया नहीं खाना जब तक मैंने उसको फ्री होने का नहीं बोला, इसलिए मैंने दो बार ट्रीट दी, आपने देखा होगा दो बार मैंने ट्रीट दी उसको। लिली स्टे, गुड गर्ल। आओ, हेलो, हेलो, ये भी लो। ऐसे हम अपने डॉग को सिखा सकते हैं स्टे। तो एक ही ट्रेनिंग सेशन था, आप 2-3-4 बार हफ्ते भर में आपका डॉग बहुत ही अच्छा स्टे करेगा, और ये बहुत यूजफुल भी है। ऐसे आप सोचिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपका डॉग लीश छोड़ के भाग गया, चेन छोड़ के भाग गया, और गाड़ियाँ चल रही हैं, तब भी आपने अगर दूर से उसको बोला स्टे तो वो रुके रहेगा, उसकी लाइफ बच सकती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप ऐसे अपने डॉग को सिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लिली के लिए लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए और शेयर भी करिए। क्यों लिली?